हेलो दोस्तों, वेलकम टू साधना टेरेस गार्डन। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आलू के समोसे बनाएंगे। इसके लिए हमने आलू बॉईल करके रखे हैं और ऐसे फोड़ लिया है। इसमें हमने सूखा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। चाट मसाला हमने अपने घर का बना हुआ डाला है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। चाट मसाले के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो उसमें देख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से जीरा, काली मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चाट मसाला यूज़ किया हुआ है। मैंने अपने चाट मसाले में सब चीज़ डाली है, इसकी वीडियो में आपको देख सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा दोस्तों जरूर। चाट मसाला आपको MDH का और चंकी चाट मसाला खाना भूल जाएंगे, ऐसा मसाला बनाया है। और समोसा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है इससे दोस्तों, बस आपको अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डाल दें और इसको ऑयल डालकर मसाले को भून लें। बहुत ही टेस्टी बनने वाले समोसे हैं दोस्तों। आप किशमिश और काजू इसमें तोड़ कर डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ग्रीन पीस डालना तो वो भी डाल सकते हैं। हम इसमें सिर्फ किशमिश डालेंगे दोस्तों। केशव नट मुंह में आता है, किसी किसी को पसंद नहीं होता, ग्रीन पीस भी पसंद नहीं होती है, तो आज हम वो नहीं डालेंगे दोस्तों, सब आपकी इच्छा के अनुसार डाला जाता है। हम इसमें जीरा, काली मिर्च भी अलग से नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने चाट मसाले में सब कुछ यूज किया हुआ है दोस्तों। बनाने के लिए हम लोग 1 चमचा करीब ऑयल डालेंगे और जो हमने रेडी किया हुआ रखा है पूरा मसाला आलू में ये डालकर उसको अच्छी तरह से भूने, क्योंकि भुने हुए आलूओं का स्वाद बहुत अच्छा आता है, आपके समोसे में मजा आ जाए। इसमें अलग से मैंगो पाउडर या नींबू वगैरह और चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है, हमारे चाट आइटम मसाले में सब चीज़ वो भुनने के बाद टेस्ट करके देख लें। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक थोड़ा बढ़ा लीजिए और चाट मसाला भी थोड़ा डाल सकते हैं, आपको खट्टा वगैरह ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, हम इसमें किशमिश डालते हैं, हल्का मिठास जो समोसे खाते में आती है तो बहुत अच्छी लगती है, ये हमने इसमें डाल दूंगी। अगर आपकी किशमिश काली जैसी या मिट्टी वाली जैसी हो रही है तो आप पहले धो के फिर इसमें डालें। ये देखिए, मसाला पूरा रेडी है। ये हम समोसे का आटा बनाने के लिए सामग्री है दोस्तों। देखिए, हमने नमक लिया है, अजवाइन लिए है और ये हमने 4 स्पून, ये टेबल स्पून है दोस्तों, ये हमने ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून, पानी लिया है और ये हमने मैदा लिया है। इसमें आटे में डालने के लिए हम नमक, अजवाइन, ये ऑयल, ये मैदा फ्लावर, इसको दबाए नहीं, इसका मेजरमेंट लेने के लिए बिल्कुल प्लेन, एक्स्ट्रा मैदा रहे तो निकाल दें। हम ले रहे हैं 3 कप, इसमें हम नमक डाल चुके हैं, अजवाइन, इससे हम ऑयल को पूरा पहले मिक्स करेंगे। इसमें जो हमने ऑयल डाला है, आप घी चाहें घी डाल सकते हैं, इसको मोमन कहते हैं।
देसी घी डालेंगे तो घी का स्वाद अच्छा आता है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम ये पानी डाल रहे हैं और पानी डालकर इसको हम टाइट मैदा गूंथ लेंगे आटे को, जैसे आटा लगाया जाता है बिल्कुल वही तरीका है मारने का। 1 कप में हम 1 टेबल स्पून घी ऑयल, घी या गरम घी या गरम ऑयल, ऑयल तो गरम करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ऑयल 1 कप में 1 स्पून ऑयल इसका हिसाब रखते हैं दोस्तों। मैदा अगर कभी पतली हो जाए दोस्तों तो और मैदा ले लें और उसके हिसाब से फिर नमक का स्वाद बढ़ाएं। हमारा हल्का सा पतला हो गया है तो हम इसमें 1 कप मैदा और ले रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इसमें नमक बढ़ा देंगे और ऑयल जो हमारा बचा हुआ है वो भी हम डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कभी घी का बर्तन खाली हो जाए या पैकेट खाली हो जाए दोस्तों तो उसको वेस्ट नहीं करें। और ये जो हम माव लगाते हैं, माव में आटे को कह रही हूँ दोस्तों, तमिल में आटे को माव कहते हैं, मेरे मुंह से वो ही निकल गया दोस्तों, चेन्नई में क्योंकि हम लोग तमिल बोलते हैं। ये आटा जो लगाते हैं ना, आटे को सॉफ्ट करने के लिए मोमन डाला जाता है, इससे खस्ता बनेंगे समोसे हमारे। तो घी का जो भी प्लास्टिक का डिब्बा हो या प्लास्टिक का कवर हो, ऑयल का हो, तो उसमें हम हल्का गर्म पानी डालकर उसको हम आटा मारने में यूज़ कर सकते हैं, वो मोमन का काम कर जाएगा दोस्तों। और नहीं तो आप सीधा प्लास्टिक कवर में अगर घी लिया है, ऑयल लिया है, उसको खोलकर इसको आटे के ऊपर ढकने के काम ले लें और आटे को ऐसे पूरा पोंछ लें तो भी वो हमारा ऑयल वेस्ट नहीं जाएगा। ऑयल और घी को कभी भी बर्बाद नहीं होने दें, ये बहुत घरेलू टिप है दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको मारने में दूध का यूज़ करें, मलाई का यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी हमारे पराठे, रोटी, समोसा ये सब खस्ता बनते हैं, वो हमारे लिए मोमन का काम कर जाते हैं। आटे को अच्छी तरह से ऐसे मालिश कर लें दोस्तों। और इसको थोड़ी देर सफ़ेद कपड़े से अच्छी तरह से कॉटन के से ढक के रखना है, तो थोड़ी देर में ये अच्छा सेट हो जाएगा। ये हमने कपड़े को गीला कर लिया है और आटे पर हम इसको डबल ट्रिपल करके अच्छी तरह से ढक देंगे तो ये आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और बनने में आसानी। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हम कपड़ा हटाएंगे, देखिए दोस्तों आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा और मुट्ठी मार के मालिश करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम लोई निकालेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें ग्लूटेन पैदा हो गया है। देखिए हम इसको ये करेंगे तो देखिए अपने आप ऊपर आटा आता जाएगा, इसको कहते हैं ग्लूटेन, देखिए ऊपर आ गया। ये अच्छे आटे लगे हुए की पहचान है, बस ऐसा ही आटा हमको चाहिए। दोस्तों देखिए हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक तीनों चीज़ डाल के ये मसाले को मिक्स कर लेंगे और हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। इसकी हम लोई बनाकर
और पतली बेलेंगे। कटिंग करके इसके ऊपर हम दूसरी पूरी रख देंगे और इसके साथ हम इसको उठा लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा दें और नीचे पानी लगाकर इसको हम बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने कोना बनाकर इसमें जोड़ दिया है दोस्तों। और इसके अंदर हम मसाला भरेंगे और मसाला भरकर इसमें चारों तरफ पानी लगाकर इसका एक प्लेट डालकर इसको मोड़ देंगे। ये हमने प्लेट इसलिए डाली है दोस्तों कि इससे हमारा समोसा खड़ा रहेगा। देखिए कितना प्यारा समोसा बना है। गरम ऑयल वाले कढ़ाई में फ्राई होने रख दिए हैं दोस्तों। आपका मन है तो आप इनको घी में भी सेक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बस इनको स्लो में रख के गोल्डन ब्राउन सेक लें, समोसा फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएंगे दोस्तों। स्लो में सेकेंगे तो ये आराम से फर्स्ट क्लास रहेंगे। चारों तरफ से अच्छा सेकना चाहिए तो इसको उलट पलट करके एक दो बार सेकें। दोस्तों देखिए हमारा समोसा तैयार है क्या फर्स्ट क्लास खाने के लिए। आप लोग अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।